कोरोना संक्रमण के बीच ब्लैक फंगस नामक बीमारी भी धीरे धीरे पैर पसारती जा रही है। ब्लैक फंगस के कारण अब तक कई मौतें हो चुकी हैं और कई लोगों का उपचार चल रहा है। इसी बीच रुड़की शहर में ब्लैक फंगस का पहला मामला सामने आने पर स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। अस्पताल के डॉक्टरों ने ब्लैक फंगस के लक्षण देखते हुए मरीज को हायर सेंटर एम्स के लिए रेफर कर दिया। आपको बता दें, रुड़की के सिविल अस्पताल में एक महिला को उसके परिजन चेकअप कराने के लिए लेकर आए थे। महिला कोरोना पॉजिटिव के साथ ब्लैक फंगस की भी शिकार थी। अस्पताल के डॉक्टरों ने महिला में ब्लैक फंगस के लक्षण होने की पुष्टि की। वहीं अस्पताल के डॉक्टरों ने महिला को अस्पताल में भर्ती कर उपचार शुरू करने के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। कैसा है? देखो, सबरा नाम की महिला है एक, उनका अनकंट्रोल डायबिटीज करके हमारे पास उनके परिजन लेकर आए थे। उसको कोविड पॉजिटिव भी है, निमोनाइटिस भी है, अनकंट्रोल डायबिटीज की शिकायत थी उसको। 550 से ऊपर उसका शुगर जा रहा है। उसमें ब्लैक फंगस का केस जो है, ये हमारे पास पहला केस है जो SDH रुड़की में हमारे पास आया है इमरजेंसी में। इसके उपचार के लिए अभी इसका उपचार जो है लोकल अस्पताल में कहीं पर चल रहा था, अभी हमारे पास ये आज आए हैं। हमने हायर सेंटर के लिए इनको रेफर किया है एम्स ऋषिकेश में, इनका आगे का उपचार किया जाए। अभी तक कितने केस आ चुके हैं ब्लैक फंगस के? अभी पहला ही केस आया है। कहाँ से आई है? यही मोहनपुरा रोड की से।